हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आई एम बैक विद अनादर वीडियो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड आल्सो डू लाइक द वीडियोस शेयर द वीडियोस एंड आल्सो डोंट फर्गेट टू कमेंट बिकॉज योर कमेंट्स एंड सजेशन्स विल इनक्रेज मी टू मेक मोर वीडियोज डू वॉच द वीडियो the topic that we are going to learn today is the power of music uh, composed by sukumar ray it is in the syllabus of class 9 meghalaya board school education i am your educator uh, at omnigyan let's learn about the poet okay biography of sukumar ray sukumar ray as you can see here was born on 30 october 1887 uh, and he died on 10th of september 1923 he was a Bengali poet, story writer, playwright, and editor from the Indian subcontinent. He is uh, remembered mainly for his writing for the children. So he popularly wrote for the children. Okay, he was popular amongst uh, children, and we know him as uh, children's uh, writer only mainly. He was the son of children's story writer Upendra Kishore Ray. So Sukumar uh, Ray was the son of another children's story writer Upendra Kishore Ray and he was the father sukumar ray was the father of the famous indian filmmaker satyajit ray okay so satyajit ray is son and sukumar ray is his father and upendra kishore ray is the grandfather of satyajit ray okay so sukumar ray is the father satyajit ray is his son and upendra kishore ray is the uh, ग्रैंड फादर ऑफ सत्याजी थ्री ऑन टू दिस्क्रिए गिबरिश नोवेला हजरला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पगला दाशु ओके पगला दाशु मीन्स क्रेजी दाशू एंड प्ले चलतचित्त चंचारी ओके चलतचित्त चंचारी चलचित्र चंचारी को अलिस इन वंडर के साथ तुलना किया जाता है इट इज़ कंसिडर्ड इक्वल इन स्टेचर टू अलिस इन वंडर ओके सो मोर देन एट्टी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ रे रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ चिल्ड्रंस राइटर्स इन बेंगाली लिटरेचर सो ही इज़ वेरी फेमस इन द बंगली लिटरेचर सुकुमार रे अभी भी बहुत पॉपुलर है अस्सी साल के बाद भी ओके अस्सी नब्बे साल के बाद भी अभी भी सुकुमार जो है बच्चों में या बच्चों के लेखक के रूप में अभी भी वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस्पेशली इन द बंगाली लिटरेचर एंड अमोंग्स द बंगालीज ओके सिर्फ बंगाली ही नहीं उनका जो राइटिंग्स uh, है ये जो अबुल तबुल uh, या हजबरई ये जो उनका नावल या कविताएं हैं इनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है जैसे आज हम जो पढ़ने वाले हैं द पावर ऑफ म्यूज़िक इसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है और हम लोग देखेंगे कि उसका बंगाली एक्चुअली उसका बेंगोली टाइटल क्या था वो हम देखेंगे अगले पेज में लेट्स मूव ऑन अबाउट द पोम जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ये जो कविता है ये आज पढ़ेंगे द पावर ऑफ म्यूजिक सो ये जो कविता है द पोम द पावर ऑफ म्यूजिक इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ बंगाली पोम तो ये एक बंगाली पोम से ट्रांसलेट किया गया है और इस बंगाली पोम का नाम है गानेर गुंटो गानेर गुंटो और इसको ट्रांसलेट किया है सुकांता चौधरी ने आप लोगों को ये याद रखना है कि कविता जो है कविता का असली क्रेडिट जाता है सुकुमार रे को ओके और उन्होंने लिखा था बंगाली में बंगाली में लिखा था उन्होंने गानेर गुंटो जो बंगाली टाइटल है आ, वो है गानेर गुंटो और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है और जो ट्रांसलेटर है उनका नाम है सुकांत चौधरी सो ट्रांसलेटर के रूप में जो हम क्रेडिट दे सकते हैं सुकांत चौधरी को बट एज दी ओरिजिनल राइटर जो है वो क्रेडिट जाएगा टू सुकुमार रे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते कविता के साथ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन विद पोम मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाता रहूँगा ठीक है ताकि आप सब लोगों को अच्छे से ये कविता याद हो जाए और इसका मतलब भी समझ में आ जाए ठीक है तो देखते हैं पहले तो ये है आपका लाइन ठीक है वेन समर कम्स वी हेयर द हम्स ऑफ भीष्म लोचन शर्मा यू कैच हिज ट्रेन ऑन हिल एंड प्लेन फ्रॉम डेली डाउन टू बर्मा ही सिंग्स एज दो ही स्टेक हिज लाइफ ही सिंग्स एज दो ही इज हेलबेंट द पीपल डेज रिटायर अमेजड ऑल दो दिनो इट्स वेलमेंट ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक राउट और लैंग्वेज पेल एंड सिकली एंड प्लीड माई फ्रेंड वी आर नियर आ एंड और स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली ठीक है तो आ, इन छः लाइन्स का हम लोग आ, मतलब देखेंगे अभी ओके एक्सप्लेशन देखेंगे अभी हम तो एक्सप्लेशन ऐसा है कि भीष्मलोचन शर्मा सिंग्स ड्यूरिंग समर सीजन जब गर्मी का मौसम आता है तब भीष्मलोचन शर्मा अपना गाना आरंभ शुरू करता है और उसका जो गाना है भीष्मलोचन शर्मा का जो गाना है तो शर्मा जी का गाना हमको सुनाई देता है माउंटेन से लेके ले हिल से लेके ज़मीन तक ओके बाहर से लेके ज़मीन तक और डेली से लेके बर्मा तक उनका जो है गाना हमें सुनाई पड़ता है इसका मतलब वो इतने जोर से गाते हैं कि उनका गाना जो है वो पर्वत से लेके हिल से लेके प्लेन तक जमीन तक और डेली से लेके बर्मा तक सुनाई पड़ता है उनका गाना इतना जोर से वो गाते हैं और कौन से सीजन में वो गाते हैं ये आपको याद रखना है ये चूज़ द करेक्ट आंसर के रूप में आ सकता है कि समर सीजन वो कौन से सीजन में गाना गाते हैं समर सीजन में गाना गाते हैं और कहाँ से कहाँ हिल से प्लेन और कौन सा दो प्लेसेस का नाम उल्लेख किया गया है विच टू प्लेसेस हैव बीन इन द पोम दिल्ली एंड बर्मा ओके तो ऐसा आ सकता है घुमा फिरा के कि दिल्ली या मुंबई दिल्ली या कोलकाता गुजरात तमिलनाडु तो सही ऑप्शन होगा जहाँ आपको दिल्ली टू बर्मा दिखाई दे ठीक है और भीष्म लोचन शर्मा सिंग्स एज इफ ही हैज पुट हिज लाइफ एट अ स्टेक और इन अदर वर्ड्स रिस्क हिज लाइफ इसका ये मतलब है कि भीष्मलोचन शर्मा जो है आ, इस तरीके से गाना गा रहे हैं जैसे कि वो उसका आखिरी दिन हो ठीक है वो मरने वाला हो उसका आखिरी दिन हो और वो अपनी जितनी इच्छाएँ है संगीत से जुड़ा हुआ संगीत से रिलेटेड म्यूजिक से रिलेटेड उसका जितनी इच्छा है गाना गाने का वो उसी दिन वो पूरा करके मरना चाहता है बिकॉज दैट इज इट लास्ट डे ये लाइन आपको दिखाई पड़ रहा होगा हीज़ पुट इज लाइफ एट अ स्टेक ही इज हेलबेंट इसका मतलब उसको गाना है

ही डज नॉट केयर फॉर एनी थिंग ऑन इस वे एंड जस्ट गोज ऑन सिंगिंग तो वो अपने रास्ते में जो भी आता जाता है वो ही इज लीस्ट बॉडर्ड वो बिल्कुल केयर नहीं करता है ठीक है द पीपल ऑन द रोड आर ऑल स्ट्रॉक वेन भीषमा लोचन स्टार्ट सिंगिंग तो जब भीषमा लोचन शर्मा जब गाना शुरू करता है तो लोग जो है आस पास वो शॉक्ड हो जाते हैं दे आर शॉक्ड ओके क्योंकि एक तो दिस इज क्वाइट एविडेंट ये एकदम ऑब्वियस है कि भीषमा लोचन शर्मा एक तो सुर में नहीं गाता है क्योंकि जो सुर में गाएगा उसका गाना दिल्ली से ले बर्मा और हिल से ले प्लेन सुनाई तो देगा नहीं वो घर पर बैठ के कोई इंस्ट्रूमेंट लेके एक मेलेडियस वॉइस एक मधुर आवाज़ में गाना गाएगा बट भीष्म लोचन शर्मा ऐसे है नहीं आपको पिक्चर दिखाई देगा आपके किताबों में आप लोगों के किताबों में पिक्चर है कि भीष्म लोचन शर्मा एक हाथ कान और दूसरे हाथ जो है आसमान के ऊपर उठा के वो जोर जोर से गाना गा रहे हैं और आसपास पास ब्लॉक कार्टस लोग जो है यू नो भागम भाग कर रहे उनसे बचने के लिए भीषमा लोचन शर्मा से बचने के लिए तो लोग जो है पूरे शौक हो जाते हैं जब भीषमा लोचन शर्मा गाना स्टार्ट करते हैं दे आर ट्रम्पल्ड इन पैनिक क्योंकि वो लोग भाग रहे हैं ओके okay? क्योंकि वो लोग हैंषमा लोचन शर्मा का गाना सुन के क्योंकि वो लोग एकदम भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लोग जो है एक दूसरे के ऊपर गिर रहे किसी के ऊपर किसी का पैर लग रहा है ओके एंड दे स्टार्ट रनिंग अबाउट इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ भीषमा सॉन्ग तो भीषम लोचन शर्मा का गाना एक्चुअली वो गाना नहीं वो है चिल्लाना भीषमल लोचन शर्मा जो है वो गाना नहीं गा रहे। singing, okay? रहा है वो चिल्ला रहा है सो तो पीपल आर ट्राइंग टू एस्केप तो लोग जो है उनका गाना नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनका गाना जो है टॉर्चर लग रहा है ओके okay? भीष्म लोचन शर्मा का गाना जो है लोगों के ऊपर एक टॉर्चर है अत्याचार है ठीक है तो लोग जो है उनके गाने से भागने के लिए लोग आ, इधर उधर भाग रहे हैं और कोई किसी के को ऊपर गिर रहा है कोई किसी के को ऊपर पड़ रहा है किसी के ऊपर किसी का पैर लग रहा है तो सब लोग जो है पूरे भाग दौड़ में लगे हुए हैं ओके उन, उन भीषमा लोचन शर्मा के गाने से बचने के लिए तो अंत में क्या होता है कि वो लोग इस इस टैंजा के अंत में क्या होता है वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं भीषमा लोचन शर्मा को कि भाई तुम अपना गाना बंद करो दे प्लीड हिम टू स्टॉप हिज सॉन्ग इमीडिएटली और एल्स दे विल डाई तो लोग जो है वो आके हाथ जोड़ के भीषमा लोचन शर्मा से रिक्वेस्ट करते कि भाई भीष्म भाई तुम अपना गाना बंद करो क्योंकि हम लोग मरने वाले अगर तुमने अपना गाना बंद नहीं किया जो बेसुरा गाना तुम गा रहे हो चिल्ला चिल्ला के ये अगर तुमने बंद नहीं किया तो हम लोग मर जाएंगे वी विल डाई ठीक है लेकिन क्या इसका असर भीष्म लोचन शर्मा पर पड़ता है हम लोग देखते हैं दूसरे स्टैंड uh, में द दुर्क कार्ड आर ओवर टर्न एंड हॉसेस लाइन द रोड साइड बट भीष्म लोचन अनकंसर्न गोज बूमिंग अबाउट हिज ब्रॉड साइड द रेचड ब्रूट्स से रिसेंट द्लेयर the hour they hear it sounded. They win and stare with feet in air or wander quite confounded. The fishes dived below the lake in frantic search for silence. Okay, तो so, इसके explanation देखिए एक बार तो भीष्म लोचन शर्मा का जो गाना है वो सिर्फ इंसानों पर नहीं वो जानवरों पर भी उसका जो है effect पड़ा है okay? Not only on human beings, but the effect of Bhishma song has been on the animals also. कैसे द बलॉक कार्स आर ओवर टर्न जो बैलगाड़ी है वो उल्टा हो जाता है ओके okay, क्योंकि जो बैल है उनके ऊपर भी असर पड़ा है भीषमा लोचन शर्मा का गाने का तो वो लोग जो है उलट जाते घोड़े जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं हॉर्सेस पैनिक इन हॉर्सेस नहीं इन पैनिक ओके वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं उनको भी टॉर्चर लगता है तो कौन कौन से एनिमल्स हम लोगों ने देखा बुलॉक देखा बैल घोड़ा देखा ओके घोड़े प्लूरल हॉर्सेस लेकिन भीष्मलोचन लोचन शर्मा जो है उसको कोई परवाह नहीं ही इज़ अनकंसर्न लोग गिर रहे हैं पर रहे हैं ब्लोक जो है वो उलट गया घोड़े जो है वो चिल्ला रहे हैं टॉर्चर की वजह से लेकिन भीष्म लोचन शर्मा को इस कोई परवाह नहीं वो अपना गाना जो है वो आंखें बंद करके उसने जो गाना शुरू किया बस उसका आंखें बंद ही है और वो गाना गा रहा है ओके ही इज नॉट कंसर्नड एट ऑल ओके उसको कोई परवाह नहीं बिल्कुल परवाह नहीं उसको तो बेचारे एनिमल्स जो है द एनिमल एनिमल्स स्क्रीमिंग इन अनोन्स द मोमेंट इज सिंगिंग स्टार्ट तो जैसे ही भीषमल लोचन शर्मा गाना जैसे ही भीषमा लोचन शर्मा ने अपना गाना शुरू किया ये जो बेचारे एनिमल्स है ये ब्लॉक बैल ये जो हॉर्सेस है घोड़े ये चिल्ला रहे हैं ठीक है ये ये गुस्से के मारे बेचारे जानवर जो है अब गुस्सा दिखा भी नहीं सकते हैं बेचारे जानवर तो गुस्से के मारे या टॉर्चर के मारे बेचारे जो है ये चिल्ला रहे हैं ओके दे स्टार्ट शाउटिंग इन पैनिक दिज एनिमल स्टार्ट शाउटिंग इन पैनिक ओके और अगर ये बोल सकते अगर ये बेचारे जानवर जो है बेजुबान जानवर अगर ये बेचारे बोल सकते तो ये भीष्मलोचन शर्मा को डेफिनेटली जाके बोलते कि भाई तुम अपना गाना बंद करो क्योंकि हम लोग और सहन नहीं कर पा रहे वी आर अनएबल टू टॉलोरेट ओके योर सॉन्ग ओके पटेसा होगा तो नहीं वो लोग कहाँ बोल पाएंगे और सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं ये जो बैल है घोड़े है ये तो जमीन के ऊपर रहते इंसान जो है ये तो जमीन के ऊपर रहते तो सिर्फ ज़मीन पे नहीं पानी में भी ये जो मछलियाँ है द फिश डाइव डीप इन टू द लेक इन सर्च ऑफ पीस ये जो मछलियाँ है ये भी जो है ये जो है ये लेक के ऊपर खेल रहे होते हैं ठीक है थीके? तो जैसे ही भीषमा लोचन शर्मा गाना शुरू करता है ये मछलियाँ भी जो है बिल्कुल पानी के अंदर चला जाता है क्यों इन सर्च ऑफ पीस शांति ढूंढने के लिए थोड़ा सुकून ढूंढने के लिए ये भी जो है बिल्कुल पानी के एकदम अंदर चले जाते हैं ये दे डाइव डीप इंटू द लेक इन सर्च ऑफ पीस तो हम लोगों ने देखा कि भीष्म रोचन शर्मा का गाना किस तरीके से एक टॉर्चर है इंसानों के लिए बैल के लिए घोड़े के लिए और सिर्फ ज़मीनी जो है ज़मीन पे ही नहीं हम लोग देखते पानी में भी मछलियाँ मछलियों को भी ये टॉर्चर लग रहा है और वो लोग जो है लेक के ऊपर खेल रहे होते हैं तो उनको भी टॉर्चर लगता है जब तब वो लेक के बिल्कुल डीप में चले जाते हैं दे गो डीप और इन टू द लेक इन सर्च ऑफ पीस ठीक है मैं आशा करता तो हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अगर uh, कुछ दिक्कत हुआ कहीं पे भी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं तो देखते हैं दूसरे स्टैंड uh, हम लोग द वेरी ट्रीज कोलैप्स एंड शेक यू हियर द क्रैश अंस एंड इन सी Uh, i'm sorry and in the sky the feathered fly turn turtle while they're winging again we cry we're going to die or oh, won't you stop your singing okay dekhte hain iska explanation to the moment bhishma starts sing uh, starts singing the trees collapse dekho hum logon ne dekha ki bullock carts bell gari उलट जाते हैं घोड़े चिल्लाते हैं मछलियां जो है लेक के एकदम deep में चले जाते तो, लोग भी परेशान हैं सिर्फ लोग नहीं देखिए इवन ट्रीज ये जो बड़े बड़े पेड़ है ये भी जो है ये शेक कर रहे हैं और गिर रहे क्रैश हो रहे ओके okay? तो पेड़ जो है बड़े बड़े पेड़ भी जो है भीष्म लोचन शर्मा का गाना ये लोग भी टॉलोरेट नहीं कर पा रहे दे आर अनेबल टू बियर द टॉर्चर ऑफ भीष्म तो ये लोग जो है ये ये पेड़ जो है ये भी गिर रहे देखिए आप ओके okay? ये पेड़ भी गिर रहे दो ट्रीज को लैप्स एंड शेक एंड देयर क्रैश कैन बी हर्ड फार अवे तो ये जो पेड़ जो है इतने जोर जोर से गिर रहे हैं कि दूर दूर से भी सुनाई दे रहे हैं उनका गिरने का आवाज ये जो पेड़ गिर रहे बड़े बड़े पेड़ गिर रहे तो इनके गिरने का आवाज भी हम लोग दूर से सुन सकते हैं द बर्ड्स इन द स्काई फ्लिप ओवर बाई भीषमस ईयर प्य मेलोडी तो हम लोगों ने देखा सिर्फ देखिए आप जमीन देखा हम लोगों ने हम लोगों ने पानी देखा अब हम लोग आसमान देख रहे हैं देखिए आसमान में क्या है आसमान के जो पंछिया है बर्ड्स ये भी जो है भीष्मा का गाना सुन के ऊपर से जो है नीचे गिर रहे हैं ये जो पंछिया है इनको भी भीष्म लोचन शर्मा का गाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये जो कान ये जो फटा देने वाला जो भीष्म लोचन शर्मा का म्यूजिक है मेलेडी है सुर है सुर तो नहीं है फिलहाल बेसुरापन है ये इतना टॉर्चरिंग है कि ये पंछियों के लिए भी बर्दाश्त के बाहर है टॉलरेंस ऑफ इवन द आल्सो, दैट इन द स्का मेलेडी जो कान फटा देने वाला जो मेलेडी है भीषमा जो प्रोड्यूस कर रहे जो मेलेडी मेलेडी तो बिल्कुल है नहीं बेसुरापन तो इसकी वजह से पंछी अभी जो है आसमान से गिर रहे ओके okay? फ्लिप उल्टा हो रहे उल्टा होके गिर रहे नीचे ओके ऑल ऑफ द्लीट ये सब लोग मिल जो है फिर से भीषम लोचन शर्मा को रिक्वेस्ट करते हैं अपने अपने तरीके से क्योंकि इनको तो बोलना आता नहीं बट अपने अपने तरीके से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ भीष्म जी आप अपना गाना बंद कीजिए नहीं तो हम लोग मर जाएंगे बट क्या भीषमा को ये फ़र्क पड़ेगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों ने पिछले स्टैंड में देखा कि भीष्म लोचन शर्मा को, को कोई परवाह नहीं कौन गिर रहा है कौन मर रहा है किसको शांति चाहिए उसका कोई परवाह नहीं किसको सुकून चाहिए उसका कोई परवाह नहीं उसको सिर्फ अपने गाने से परवाह है क्यों क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो उसका आखिरी दिन है और जिंदगी का उसका जो गाना है वो उसी दिन वो ख़त्म करके गाना चाहता है ओके तो देखते हम लोग अखिलेशा में क्या होता है देखिए पहला जो लाइन है वही हम लोगों का आंसर है कि भीष्मा को फिर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी भीष्मा को इसका कोई असर नहीं भीष्मा के ऊपर इसका कोई असर नहीं है ठीक है भीषमा इज़ कंप्लीटली अनएफेक्टेड बाय द रिक्वेस्ट्स ओके बाय द प्लीडिंग्स But Bhishma soared beyond our reach. However, we plead and एन The Welkin weeps to hear his screech and mighty मैंशंस टम्बल तो Welkin मतलब ये जो आसमान जमीन और पानी है ये तीनों लोग ये भी जो है ऊपर गाना गा ऊपर रो रहे हैं कि भाई हमें माफ करो आप अपना गाना बंद करो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओके okay? तो हम लोग देखेंगे एंड माइटी मैंशंस टम्बल मैंशंस मतलब बिल्डिंग्स ओके okay? घर बड़े बड़े घर जो है बिल्डिंग्स भी

लुक एट द नरेशन में थोड़ा दो मिनट के लिए पॉज रखूँगा uh, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आप अगर ये गाना एक्जैक्टली exactly ये बंगाली है ये एक बंगाली पोम है गानेर गुंटो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया और बिग क्रेडिट गोज़ टू द ट्रांसलेटर जिन्होंने इसको इतने अच्छे सुंदर तरीके से इसको ट्रांसलेट किया है, है? Uh, कितने सुंदर तरीके से इसको ट्रांसलेट किया है ट्रांसलेटर uh, ने मिस्टर सुकानतो uh, और uh, जो एक्सप्रेशन जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया ट्रांसलेशन में बहुत बहुत उम्दा है बहुत बढ़िया है आ, लेकिन इसका जो ओरिजिनल राइटर है आ, सुकुमार रे इन्होंने जो बंगाली पोम लिखा था आ, आप अगर एकदम बिगिनिंग ऑफ द पोम से देखेंगे इट सीम्स टू बी अ स्टोरी ये ऐसे ऐसे हो रहा है कि ये एक, एक स्टोरी चल रहा है बिगिनिंग से भीष्म लोचन ने गाना शुरू किया आ, जो एनिमल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं सबको कितना टॉर्चर फील हो रहा है ओके तो इतने सुंदर तरीके से जो नरेटिव है पोम के थ्रू जो नरेटिव है ओके राइमिंग रिदम यू नो मैचिंग द राइमिंग एंड द रिदम द द स्टाइल दैट सुकुमार रे हैज यू नो यूज इन दिस इन दिस पोम इज रियली मार्वलस मार्वलस राइट ओके तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक कहानी सुन रहे हैं इट सीम्स दैट एज इफ हियरिंग अ स्टोरी okay bhishma started singing and how uh, his songs tortured the animals, the fishes, the birds, um, you know, and the other animals. okay, uh, anyways, uh, let us come back to the explanation. so this was. so these were the lines. okay, now the explanation for this. now let's see the explanation. no matter how much the people, animals, and birds were pleading bhishma, the latter continued to sing. To भीष्म लोचन शर्मा को किसी के रिक्वेस्ट से कोई परवाह नहीं है ओके okay? वो किसी का रिक्वेस्ट पीपल एनिमल्स बर्ड्स ये सब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भीष्म लोचन शर्मा शर्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भीष्म जी आप अपना गाना बंद कीजिए हम लोग मर जाएंगे नहीं तो आपका गाना इतना टॉर्चरिंग है बट भीषमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बस आंखें बंद करके गाना गा रहा है अपना गाना उसको परवाह नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है उसको इसका कोई परवाह नहीं ओके ही कंटिन्यूज टू सिंग तब आया एक बिली गोट ओके बिली मतलब मेल मेल गोट ओके एक मेल गोट आया राइट और उसको सेगाशियस फेलो बोला गया है पोम में उसको बोला गया है सेगाशियस फेलो सेगाशियस फेलो मतलब द गोट इज डिस्क्राइबड एज बिंग सेगाशियस बिकॉज इट इज क्लेवर एंड हैज़ अ क्लियर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड जिसको दुनिया का नॉलेज हो दुनिया का जिसको समझ हो जिसके पास बहुत सारा तजुर्बा एक्सपीरियंस हो उसको हम लोग सेगाशियस बोलेंगे तो ये बकरी जो है बकरी नहीं ये बकरा जो है आ, वेरी सॉरी क्योंकि ये मेल गोट है इसलिए हम लोग इसको बकरा बोलेंगे तो ये बकरा जो है ये सेगाशियस है और ये बकरा सेगाशियस क्यों है क्योंकि इसको दुनिया का नॉलेज है इसको एक्सपीरियंस है तजुर्बा है इसको दुनिया का तो वो समझ गया तो ही अंडरस्टैंड वो समझ गया कि भीषम लोचन शर्मा किसी का रिक्वेस्ट तो सुनेगा नहीं तो जिसको जो भाषा समझ में आता है उसको उसी भाषा में जो है समझाना चाहिए हम लोग एक कहावत बोलते हिंदी में कि लातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते बिल्कुल अगर आपने ये गेस किया बाकी कर लाइन तो आप बिल्कुल सही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो ये जो सेगाशियस गोट है ये बिली गोट सेगाशियस गोट जिसको दुनियादारी समझ में आता है जिसको बहुत यू नो experienced the world. Ka. you know, the sagacious, uh, clever goat who, who uh, has a knowledge and understanding of the world and who is very much experienced, he understood that bhishma is not going to pay attention to the requests that the people, birds, uh, animals, they are, uh, they are uh, making. so the best thing that now uh, is decided by the goat. बाई दिली गोट इज टू टीच भीषमा लेसन तो सबसे जो अच्छा सबसे जो बढ़िया डिसीजनोट ने लिया इस क्लेवर गोट ने लिया इस बुद्धिमान बकरा ने लिया वो है कि भीषमा को क्यों ना सबक सिखाया जाए और यह सबक जो है यह टेम्पररी नहीं दिस लेसन विल नॉट बी अ टेंरी लेसन विल बी अ परमांट लेसन फॉर भीषमा ओके तो डिसाइड्स टू टीच भीषमा असन फॉर हज लाइफ एंड देयर बाई एंड हिस रॉकर्स ये जो उसका चिल्लाना है भीषम लोचन शर्मा थोड़ा ही ना गाना गा रहा है okay, हम लोग जो बिगिनिंग से देख रहे हैं भीषमा लोचन शर्मा इज नॉट सिंगिंग क्योंकि कोई ऐसे गाना गाता नहीं है चिल्ला चिल्ला के गाना जो है वो मधुर होता है चिल्लाने को हम लोग गाना थोड़ी कहेंगे तो ये जो बिली गोट है उसने सोचा कि चलो भीषमा लोचन शर्मा का आज ये जो गाना है उसका ये परमानेंटली खत्म किया जाए ओके लेटस परमानेंटली लेट मी परमानेंटली एंड हिस रॉकस ओके okay, uh, चिल्लाना तो द गोड चार्ज इज भीषमा विद हॉर्न्स एंड दस द लेटर टर्नस साइलेंट फॉर लाइफ तो भीषमा जो है ये जो बकरा है बकरे ने भीषमा लोचन शर्मा के पीछे जाके अपने सिंग मार दिया ओके okay? भीषमा लोचन शर्मा के पीछे जाके अपना सिंग मार दिया और भीषमा लोचन शर्मा जो है इतना जोर का झटका उसको लगा और जोर का झटका जो है वो धीरे तो नहीं लगा वो जोर का झटका उसको जोर से ही लगा और इतना जोर का झटका उस भीष्म को लगा बकरे की तरफ से कि भीष्म जो है ज़िंदगी भर के लिए साइलेंट हो गया बिल्कुल चुपचाप हो गया अब वो बिल्कुल जो है बोलने के लायक नहीं बचा और गाना गाना तो बहुत दूर का बात है वो बोलने के लायक भी नहीं बचा भीषमा लोचन शर्मा वो बिल्कुल साइलेंट हो गया ओके okay, जिंदगी भर के लिए वो साइलेंट हो गया इसका दो अर्थ हो सकता है गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस जो है आ, यहाँ पे आपके किताब में होगा गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे द स्ट्रेंस ऑफ सॉन्ग आर टॉस्ट एंड वर्ल्ड बाय द ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस ब्रूटल वायलेंस इज बाय गोट ओके ऐसे करके बकरा ने अपना सींग मारा Uh, भीष्मलोचन शर्मा के पीछे की भीषमलोचन शर्मा जो है वो उड़ गया हवा में और हवा में उड़ के जो है वो उलट के गिर गया नीचे एंड भीषमलोचन ग्रैंड द तो वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आ, अगर ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी आया कि गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस क्या है ये जो सुनहरी ये जो सुनहरा तोहफ़ा है ये तोहफा क्या है साइलेंस ये जो सुनहरा तोहफा है वो है साइलेंस ओके और ये सुनहरा तोहफा क्यों तोहफा तो तोहफा होता है बट सुनहरा क्यों सुनहरा इसलिए क्योंकि लोगों का जिंदगी बच गया सिर्फ लोग क्यों इस ये जो बकरा है इस बकरे ने सिर्फ लोगों का नहीं पीपल एनिमल बर्ड्स फिशेस इन सब का जिंदगी किसने बचाया दैट बिली गोड जिसको सेगैशियस भी कहा गया है उसने बचाया और भीषमा लोचन शर्मा जो है हम लोग कह सकते हैं कि अंत में वो गूंगा हो गया ही बिकेम डम दैट ही लॉस्ट हिज पावर ऑफ स्पीच वो अपना बोलने का शक्ति जो है वो खो बैठा और इसलिए वो साइलेंट हो गया वो गूंगा हो गया और वो गाने गाना गाने के लायक नहीं रहा वो ठीक है ऐसा झटका इस बकरे ने भीष्म लोचन शर्मा को दिया और बहुत ही तो आप लोगों को क्या लगता है मैं अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछूँ कि ये जो बक, बकरा है दिस बिली को क्या इसने सही किया क्या इसने सही किया

बैलगाड़ी उलट रहा है घोड़ा चिल्ला रहा है मछलियाँ पानी के और अंदर जा रहा है थोड़ा सुकून शांति पाने के लिए पंछियाँ जो है बर्ड्स यू नो दे आर ऑल्सो टॉर्चड इन द स्काई तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस बिली गोट ने भीषमा लोचन शर्मा को अपने सींग से मार के सही किया क्या वायलेंस यहाँ पे परफेक्ट था या नहीं था और अगर नहीं था तो क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिससे आप भीष्मलोचन शर्मा को शांत कर सकते थे अगर आपको आ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया भीष्मलोचन शर्मा को लेकिन वो मानता ही नहीं बिल्कुल ही डज नॉट अंडरस्टैंड एंड ही इज नॉट बॉद अबाउट एनी उसको किसी का परवाह नहीं तो फिर बिली गोट ने सोचा कि चलो लातों की भूत बातों से नहीं मानते इसको इसी भाषा में इसी लैंग्वेज में आई हैव टू यूज द सेम लैंग्वेज टू आई हैव टू यूज अ लैंग्वेज दैट ही अंडरस्टैंड भीष्मा अंडरस्टैंड बेटर he's not going to understand the language of requests, of bleeds. so it is better that i explain him in the language which he understands. and that is why he attacks um, bhishma lotan sharma. okay, billy goat attacks bhishma lotan sharma. so what i'm asking you is that, is it justified? is the uh, attack of uh, the goat, the billy goat justified here? okay, do you think that the billy goat has done the right thing by making, और बाय चार्जिंग भीषमा लोचन शर्मा विद इस हॉर्नस एंड दे आर बाई मेकिंग मेकिंग हिम साइलेंट फॉर द रेस्ट ऑफ इस लाइफ डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड कि आपको लगता है ये सही किया या गलत किया जो भी आपका आंसर हो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा और बहुत मजा आएगा आप सब लोग अगर आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में ताकि सब लोगों को और जो दूसरे मेरे व्यूअर्स हैं उनको यू नो you know, वो भी देखे और वो भी अपना ओपिनियन दे ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड द पोम वेरी वेल मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पोम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आज के लिए ये कविता मैं यही पे रोकूंगा कविता हम लोगों ने ख़त्म किया ये कविता मैं यही रोकूंगा और एक छोटा सा और एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ आप सब लोगों को ये थोड़ा देखिए द एक्सप्रेशन विद बेलो आंसरिंग बेलो इसका मतलब है आई फॉर एन आई जैसे मैंने कहा ना कि लातों की बहुत बातों से निमित तो जिस एन आई फॉर एन आई अ टूथ फॉर अ टूथ तो जिसको जो जवाब सही लगता है उसको उसी जवाब में जो है आंसर देना चाहिए तो आई फॉर एन आई ओके ईट का जवाब पत्थर से दूसरा कहावत ओके इन वर्ड्स टू रिप्लाई इन द सेम वे और और एक्शन दैट ही शी आदम्लाई तो क्योंकि भीषमा जो है वो भी लोगों को टॉर्चर कर रहा था तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि लोग भी उसको तो उसको भी उसी तरीके का जवाब मिले तो इन द पोम द गोट रिप्लाईज भीष्मा इन द सेम वायलेंट वे एज भीष्मा सॉन्ग हैड ब्रॉट अबाउट टू एवरी

माई एक्सप्लेनेशन ओके क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड था ये आप एनालाइज करेंगे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको आई एम जस्ट गिविंग यू एन एक्सप्लेनेशन वॉट इज रिटन इन पोम। बट मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि आप एक एनालिस दीजिए क्या यह सही था या गलत था ये जो एक्शन ऑफ द गोट क्या यह सही था या ये गलत था ओके सो थैंक यू एवरी वन आई होप वन सेकेंड आई होप देस्टूड दूम वेरी वेल एंडक्स्ट वीडियो सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ यू Uh, till then keep uh, subscribing uh, keep commenting if uh, you have any doubt and keep sharing my videos and please don't forget to uh, subscribe my channel press the bell icon and there will be a all a -double l all notification so that whenever I upload a video you get uh, the notifications instantly all right so uh, that's all for today um, thank you so much for watching the video and all the best to all of you thank you